आए दिन कैंसर के मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिण नागपुर स्थित राष्ट्र संत तुकड़ोजी रीजनल कैंसर अस्पताल में मरीजों का इलाज रेडियोथेरेपी से तज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है, जिससे कैंसर के मरीजों को इसका फायदा मिल रहा है। इस बारे में हमारे संवाददाता संजय मीरे, इन्होंने बातचीत की है राष्ट्र संत तुकड़ोजी रीजनल कैंसर अस्पताल की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश वाकोड़े इनसे। आइए देखते हैं। रेडिएशन थेरेपी या टेलीथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी, इन दो पद्धतियों द्वारा दी जाती है। टेलीथेरेपी रेडिएशन या मरीजों के शरीर के बाहर से दी जाने वाली पद्धति है, तथा ब्रैकीथेरेपी रेडिएशन या मरीजों के शरीर के अंदर रेडिएशन देने की पद्धति है। राष्ट्र संत तुकड़ोजी रीजनल कैंसर अस्पताल में दुनिया की सबसे महानतम मशीनों में से एक रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी का शुमार है। इस मशीन का नाम वर्सो HD मेडिकल लीनियर एक्सेलरेटर है। इस मशीन द्वारा बच्चों को ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर तथा बड़ी उम्र के लोगों को होने वाले मुंह के कैंसर, अन्न नलिका कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर आदि कैंसर के मरीजों का इलाज इस एडवांस रेडिएशन थेरेपी द्वारा उपचार किया जाता है। पूरे भारतवर्ष से कई मरीज आकर अपना इलाज इस टर्जरी कैंसर अस्पताल में करते हैं। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इन्होंने राष्ट्र संत तुकड़ोजी रीजनल कैंसर अस्पताल की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश वाकोड़े से की ये बातचीत। दर्शकों, इस समय में हम राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल में, जहां पर हमारे साथ में इस समय पर मौजूद है डॉक्टर प्रकाश वाकोड़ी जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि रेडियोथेरेपी सेंटर्स का कितना महत्व इन दोनों लोगों को हो रहा है, मरीजों को हो रहा है। इस समय हमारे साथ में एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश वाकोड़ी जी। वाकोड़ी साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आज हम जो कामकाज देखते हैं कि सभी तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, मगर अस्पताल में एक ऐसा भी आपका डिपार्टमेंट है जो काफ़ी सदियों पुराना है। मतलब जब अस्पताल की जब ये शुरुआत हुई थी, उस दिन से ये जो रेडियो जो थेरेपी होती है, जो सेंटर्स है, रेडियोथेरेपी सेंटर्स एकमात्र आप ही के अस्पताल में है। क्या जानकारी दूँ कि कितना महत्वपूर्ण है मरीजों के लिए? देखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, और मुझे कहने में गर्व होगा कि राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल 1974 से लोगों की सेवा में है, कि जब विदर्भ में कोई भी रेडियोथेरेपी सेंटर उपलब्ध नहीं था। ये एक मेनस्टे है ट्रीटमेंट में, जिसको सर्जरी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, कीमोथेरेपी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, और पेशेंट को रिलीफ देने में, उसका कैंसर कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सर, ये बताइए कि जैसे ब्रेन हो, ब्रेस्ट हो, या फिर ओरल के जो कुछ कैंसर होते हैं, उनमें कितना कारगर साबित होता है ये रेडियोथेरेपी? ब्रेन के इसमें तो डेफिनेटली कारगर साबित होता है। लंग कैंसर में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ओरल कैविटी में मेन रोल वैसा सर्जरी का आता है, सर्जरी के बाद फिर रेडियोथेरेपी एडजुवेंट करके अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी दी जा सकती है। तो आप थे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश वाकोड़े, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए रेडियोथेरेपी कितनी महत्वपूर्ण है इस बारे में जानकारी दी। दर्शकों, में आपको बता देने चाहते हैं कि दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल में ये जो रेडियोथेरेपी जो सेंटर्स है काफ़ी पुराना है, और इसी रेडियोथेरेपी से अब तक के कई कैंसर के मरीजों को फायदा ही हुआ है, भविष्य में भी फायदा होगा, इसमें कोई तिल मात्र शंका नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।